अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद जी क्लब से ताल्लुक़ है जी हमारा, और आज हम आए यहाँ पे बाबू सर के नज़दीक गेटी डास में धर्मसर लेक। ये तकरीबन 13,400 फीट की हाइट के ऊपर है, अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है, लोकल्स ने देखी है या ट्रैकर्स ने देखी है। तो आज हमारी टीम ने प्लान किया था कि यहाँ पे आएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल लेक, बहुत खूबसूरत वाइल्ड लाइफ भी है इस एरिया में, बर्ड्स भी हमें नज़र आए हैं, और इट्स वन ऑफ एन एक्सपीरियंस। अभी हम ये दुलू से लेक के साथ खड़े हैं उसकी रोड साइड के ऊपर, मतलब इट्स अबाउट किलोमीटर एंड अ हाफ, 1.5 किलोमीटर लंबी ये लेक है। विड्थ आपको नज़र आ रही है अबाउट 300 to 400 meters है इसकी। हम IGC का ग्रुप है ये, हम तकरीबन कोई 30 के करीब हम लोग हैं, और अबाउट मतलब 9 जीप्स हैं। आगे बाबू सर से नीचे हमारा प्लान है कि हम अपस्ट्रीम ऑफ रिवर कुन्हार धर्मसर लेक और कुछ और लेक्स हैं वहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है 2 nights की। प्यारी जगह प्यारी लगती है और हर एक को लगती है, तो बहुत अरसे बाद मैं खुद 2 साल बाद है जिसी के साथ एक बार फिर आ रहा हूँ, तो इन्जॉय कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान में हैं और खूबसूरत जगह आपने नहीं देखी तो फिर आपने क्या देखा है, कुछ भी नहीं देखा। कम से कम जो अफोर्ड कर सकता है तो कागाना रन और लुलू सर तक या जो बाबू सर टॉप यहाँ तक तो आ जाए। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ IGC कॉन्वॉय टू संबक्सर लेक। मेरी बिल्कुल बैक में यू कैन सी अ बोल काइंड ऑफ अ थिंग इन द माउंटेन, एंड देयर इज अनदर रिग राइट बिहाइंड दैट। इट्स द संबक्सर लेक इज राइट बिटवीन द बोल एंड द हाई रिग बिहाइंड दैट। ऊपर वाली जो जीप है विच इज़ संबक्सर, उस पर हमारी एक जीप जा चुकी है जबकि उधर जाते पैदल हैं। जो धर्मसर लेक है उस पे जीप्स जा सकती हैं, संबक्सर के ऊपर इट्स अ वॉकिंग ट्रैक, हाइकिंग ट्रैक, बट हमारी एक जीप पहले वहाँ पर जा चुकी है। इस दफ़ा इंशाल्लाह वील ट्राई टू टेक मोर जीप्स देयर। टफ ट्रैक, मतलब मैं इसको बोलूँगा कि इट्स अ मीडियम ट्रैक, एनी 4x4 कैन कम ओवर हियर, और कोई डेंजरस ट्रैक नहीं है, मतलब इट्स अ ब्रॉड ट्रैक, कोई साइड पे जो है वो ज़्यादा स्टीप नहीं है, तो
कोई भी ड्राइवर आराम से इस ट्रैक के ऊपर चला सकते हैं और कोई भी 4x4 इस ट्रैक पे आराम से आ सकती है। सर रात बड़ी टफ गुजरी, पहले कैंप में फिर गाड़ी में। शिफ्ट इसलिए किया कि कैंप के अंदर इट वॉज टू कोल्ड, देन आई केम टू द कार, बट इवन इन द जीप इट वॉज लाइक अनबेरेबल। इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हाइक का जो भी हमने की थी, तो मतलब मेरे ख्याल में यू डोंट एंजॉय दैट मच इन द कार एज मच एज यू एंजॉय ड्यूरिंग द हाइक। तो हाइक में ये है कि यू आर लाइक नज़र आ रहा है आपको सारी वैली, आप आराम से इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी पे वो वैली ज़रा थोड़ा सा फास्ट निकल जाती है एंड योर कंसंट्रेशन इज़ ऑन द ड्राइव, तो आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते। नहीं आई थिंक जाते हुए हमने कोई 1.5-2 घंटे हाइक की है और वापसी पे इट वॉज लाइक मिक्स एंड मैच, बीच में हम बैठ जाते थे लेकिन वापसी पे इट वॉज लाइक 30 कि हमने वो एल्टीट्यूड जो कैलिब्रेशन होती है वो नहीं की उसकी, वो 50 मीटर्स के बाद प्रॉबली उसको फील हुआ कि मैं बहुत ऊंचा उड़ रहा हूँ, क्योंकि उसको हमने ज़ीरो किया था GPS को इस्लामाबाद में, वो यहाँ पे जब उसको फ्लाई किया तो वो 13,000 को समझा कि मैं बहुत ही ऊँचा चला गया हूँ, तो इट जस्ट क्रैश लैंडेड। तो अभी हमने उसको रिकवर कर लिए है, उसके प्रोपेलर्स वापस रिपेयर हो गए हैं, इट्स रेडी टू फ्लाई अगेन। इस्लामाबाद जीप क्लब जी, हम ऐसी ही लोकेशन ट्राई करते हैं जहाँ पे और कोई नहीं जाता, वी बीन डूइंग दिस सिंस 80s, लेकिन अभी इस दफ़ा कोविड की वजह से हम अपने ट्रिप्स नहीं कर सके, अभी थोड़े से ज़रा हालात बेहतर हुए हैं तो वी प्लान की जी हम ये नज़दीक जो जगह है इसको पहले एक्सप्लोर करें। IGC आज संबक्सर लेक को एक्सप्लोर करने गिटी डास आई हुई है। आज हमारा दूसरा दिन है, कल शाम हम यहाँ पहुँचे थे, रात बड़ी ठंडी थी, बारिश भी हुई थी और लेकिन मज़ा बहुत आया था, खाने का बहुत मज़ा आया था। आज सुबह हमने इस एरिया को एक्सप्लोर किया, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, बादल आपको नज़र आए, ठंडी हवा चल रही है, धूप भी है, हर तरफ फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स हैं। संबक्सर लेक के लिए हमने जो रास्ता डिसाइड किया था थोड़ा सा हम गलत हो गए थे, लेकिन अभी हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारे ईस्ट में जिस साइड मैं देख रहा हूँ कश्मीर है और बहुत करीब है यहाँ से, और हमारे नॉर्थ में इस वक्त चलास डिस्ट्रिक्ट चलास आता है। यहाँ काफ़ी सारी झीलें हैं, ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ लोकल्स हमें बताया कि बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर भी एक झील मौजूद है। इस तरह और भी बहुत सारी अननेम्ड झीलें मौजूद हैं, या शायद उनके नाम हो हमें पता ना हो, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोकल्स नज़र नहीं आ रहे, वो अपने चरागाहों में मसरूफ़ हैं। बारिश जो थी उसने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया था, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और कुछ खेमों में टेंट्स में पानी भी चला गया था, लेकिन ये देखें, ये तो इस एडवेंचर का एक डेफिनेट पोर्शन होता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होंगे तो उस और वो अपने एक होम कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे तो फिर एडवेंचर नहीं होगा, तो इसलिए उसको भी हमने बहुत इंजॉय किया। सुबह बहुत अच्छा मौसम था और फिर नाश्ते ने तो कमाल ही कर दिया था, थैंक्स टू जुमा खान लड़ा जिन्होंने हमारे लिए रात को दाल चावल का डिनर तैयार किया, जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का एक खाना था, या शायद हमें भूख लगी थी लेकिन खाने का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। कुछ और था लेकिन मौसम के मुनासिबत से देते हैं, कल रात भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी सारी रात, तो बारबेक्यू का प्रोग्राम कल शाम को था लेकिन वो अभी वो आ गए हैं ना देने की वजह से भी कर रहे हैं, अगर आपको फिर से बारिश हुई तो फिर हम बारबेक्यू नहीं बना सकेंगे, तो इंशाल्लाह भी लगे हुए इसमें तैयारी में, कल अभी चल रहा है सी फिल्म भी हो रहे हैं, तो आधे घंटे बाद चिकन सीखों पर होगी क्या कोई, तो लड़कों की भी फरमाइश थी कि
आज ही कर लें तो अभी हम लोग बारबेक्यू का प्लान कर रहे हैं, चिकन बारबेक्यू का कोयले स्टार्ट कर रहे कोशिश कर रहे थे, तो गाड़ी हमने पीछे लगाई है एक वॉल बनाने के लिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा, और माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। IGC के सारे दोस्त हम इधर ही हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मज़ेदार हो रहा है, इंजॉय किया हमने काफ़ी, यानी गर्मी से आके बिल्कुल इधर माइनस में और सर्दी में इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा सफ़र, थोड़ा मुश्किल है मगर इंजॉय किया, एडवेंचर है। पूरा बंदोबस्त करके फिर आए, टेंट को चेक करके आए, हर एक चीज़ को अपने चेक करके आए, सर्दी का सामान जितना भी है वो साथ लेके आए, तो वो बहुत प्यारी जगह आप देखेंगे तो आप दिल खुश हो जाएगा। जिसने भी आना है 4x4 पे आना है, दूसरी कोई गाड़ी पे नहीं जाएगी। ग्रुप बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ इकट्ठे शौक रखते थे, जिसकी वजह से आपस में हमारी मुलाकात हुई, और इसी तरह हम लोग ट्रिप्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। धर्मसर लेक का हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने चक्कर लगाया और उन्होंने हमें इसका बताया था, एंड वी डिसाइडेड कि हमारा जो समर कैम्प एक ट्रिप होता है उस पर हम सारे इकट्ठे आएंगे, एंड वी हैव जस्ट बीन टू द लेक, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बाबूसर टॉप से साइड पे रास्ता निकलता है मे बी हाफ एन आवर, और यहाँ के आप मिस्ट्रीन के साथ बैठे हुए, हमारा कैंपिंग साइट बिल्कुल सामने है, अगर कैमरा उल्टा करके दिखाएंगे तो वहाँ वो भी नज़र आए। रात को ठंड बहुत थी, कल बहुत बारिश थी, सारी रात सब भीगते रहे, अभी लोग तंग भी आ गए, लेकिन अब आज सुबह सनी था, इट वॉज़ ब्यूटिफुल, फोलियज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हम आगे काल वैली में होके आए, तो बहुत ज़बरदस्त रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की और भी बहुत खूबसूरत जगह हैं जो हम सारी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।